नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। DSSSB के TGT की जो भर्ती आने वाली है उनसे रिलेटेड कुछ जो आपका बदलाव किया गया है उसमें एजेस में और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वो क्या बदलाव है एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एक नोटिस निकाली गई है DSSSB के द्वारा। इसमें बताया गया है कि जो आने वाली भर्ती है, जो होने वाली भर्तियां हैं, अब कब आएगी, जैसा ये लग रहा है चेंजेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जल्द ही आपको ये DSSSB की वैकेंसी हमें देखने को मिलेंगी। तो उसमें जो चेंजेस हुआ है, क्या हुआ है एजेस को लेकर, इसको एक बार यहाँ पर क्लियरिफाई कर देते हैं आप लोगों को। आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक नोटिस है, गैजेट है, दिल्ली राजपत्र है। तो यहाँ दिल्ली गैजेट में ये बात कही गई है, 28 जून का है। इसमें चीज़ें जो बताया गया है बेसिकली वो क्या है कि इन नियमों के शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ठीक है, अंग्रेजी, गणित, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो टीचर हैं इनसे रिलेटेड कुछ जो भर्ती नियम 2023 में कहा जाएगा। मतलब जो नोटिफिकेशन निकलेगा आपका उसमें ये चीजें होंगी जो यहां पर बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें कि आपके काम की क्या चीज है इसमें, वो कुछ ऐसा है कि जैसे बताया गया कि जो पदनाम है वो क्या है, आपका प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान इनमें, और पदों की संख्या 24,939 2019 के तहत से तब से अभी तक है, और ये वैकेंसी धीरे धीरे भरी जा रही हैं। ऐसा नहीं कि एक ही साथ इतना आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो वो चीज़ें यही बताया गया है कि इस पद के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, कुछ बदलाव किया गया है नियम में, वो क्या है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ा जो बदलाव है, एक आप लोग ध्यान दीजिएगा, 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो एज लिमिट है आपकी वो आपकी कितनी कर दी गई है, 30 साल कर दिया गया है, 13 ईयर कर दिया गया है। जो पहले 32 साल था वो अब TGT के लिए भी 30 हो गया है। तो सभी के लिए, चाहे वो PRT हो, चाहे PGT और TGT, सभी के लिए अब शायद 30 वर्ष का उम्र हो गया है। अब इसकी कट ऑफ क्या होगी, कब से ये लेंगे, क्या डेट निर्धारित करते हैं, ये सब चीजें आपको नोटिफिकेशन में पता चलेंगी। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है, 30 साल सबके लिए हो गया, PRT में भी वही चीज है और TGT में, तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत हैं। बाकी और क्या चेंज हुआ है यहाँ पर, शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं की अगर हम बात करें तो अनिवार्य योग्यता क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं TGT के लिए तो उसमें कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए और कम से कम 50% अंकों सहित संबंधित विषय में स्नातक उपाधि हो, अथवा स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि हो। मतलब PG हो आपका 50% उसी सब्जेक्ट में, या और क्या बोला है, किसी NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय का कम से कम 3 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। यह ध्यान रखिएगा, NCTE के तहत BLED या BSc BEd या BPed के 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम पाठ्यक्रम उपाधि, यह ध्यान रखिएगा, इनमें अगर आपका 3 साल तक आपका उसी विषय में, संबंधित विषय में आपने पढ़ा है तब आपका कहीं ना कहीं आप एलिजिबल हो। ये चीजें आपको समझ में आ गई, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें 2 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए कम से कम, और कम से कम 50% अंकों सहित संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि हो, उसी विषय में आपकी क्या हो, स्नातक की उपाधि है 50% के साथ, तो आप एलिजिबल हो। स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि हो, आपका स्नातक या स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम 50% के साथ, ठीक है, आपका क्या हो, उसी संबंधित विषय में, बोला गया ना विद्यालय से संस्थानों से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा, इसके साथ ये वाला क्रम बोला गया, तो वही बोला स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि,
में न्यूनतम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्था से संबंधित विषय में, ठीक है ये ध्यान रखिएगा, संबंधित विषय में हो, स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, स्नातक भी हो और स्नातकोत्तर में, दोनों में। अब यहां पर अगर हम बात करें और क्या होना चाहिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका सीबीएसई द्वारा सीटेट पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा पेपर टू ही मांगता है। और क्या टिप्पणी किया गया है कि टीजीटी प्राकृतिक विज्ञान शारीरिक विज्ञान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित विज्ञान विषय में से कम एक विषय का अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्राकृतिक या शारीरिक विज्ञान से आप अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से कम एक विषय का अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। भौतिकी का, रसायन का, जीव का, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव, जैविक, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, जैव चिकित्सा विज्ञान, आणविक कौशिक और जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़े हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान के तहत। टीजीटी सामाजिक विज्ञान में क्या चेंजेस किया गया है, एसएसटी का अगर टीचर बनना है तो उसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान विषय में से कम एक विषय का अध्ययन होना चाहिए, एक विषय का अध्ययन होना चाहिए। देखिए सभी विषय में है लेकिन इंग्लिश और हिंदी का छोड़ दिया जाए, इंग्लिश हिंदी आपको तीनों साल होना चाहिए यह जरूरी होता है, ठीक है। बाकी आपका दो साल होना चाहिए वो माना जाता है। तो वही बोला कि एसएसटी में अगर आपको टीचर बनना है तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन आसान कर दिया, बोला निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान विषयों में से कम एक विषय का अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यवसायिक अध्ययन या सांख्यिकी, अगर इसमें अगर आपने, अगर मोटा मोटा बात किया जाए, अगर आपको टीजीटी एसएसटी का टीचर बनना है, अगर हिस्ट्री आपने दो साल पढ़ा है, ठीक है, आपने हिस्ट्री दो साल पढ़ा है, इसके साथ कोई और सब्जेक्ट आप लिए हैं उसका कोई जरूरी नहीं है कि वो आप दो साल पढ़े हो, आप एक साल भी पढ़े हो, सिंगल कोई भी सब्जेक्ट अगर आप दो साल पढ़े हैं एसएसटी में इनमें से तो आप एसएसटी के टीचर बन सकते हैं कुल मिला के। तो कॉम्बिनेशन का मामला ही खत्म हो गया, आप इन सब्जेक्टों में से कोई भी दो साल आप पढ़े हैं तो एसएसटी का टीचर बन सकते हैं। टीजीटी गणित के लिए बोला गया कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक विषय के रूप में गणित का अध्ययन होना चाहिए, तो गणित का अध्ययन होना चाहिए एक विषय के रूप में, यह ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी के क्या लिए क्या बोला है, टीजीटी अंग्रेजी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन होना चाहिए, ठीक है, वो तीनों साल। विषय विधा की वास्तविक आवश्यकता प्रत्येक भर्ती के समय इंगित की जाएगी, अन्यथा सुयोग उम्मीदवारों के मामले के कारणों को लिखित और अभिलेख बद्ध करते हुए योग्यताएं डीएसएसबी सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर स्थलनीय है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अभी ये चीजें हैं मेन आपको ध्यान रखने वाली, तो बस यही योग्यता के बारे में जो मेनली जो चेंजेस हुआ है आपका एसएसटी में और एजेस में। अगर हम बात करें कि आपके चेंजेस क्या हैं तो वो है सबसे बड़ा एज जो आपका 30 साल कर दिया गया है, और दूसरी बात जो आपकी एसएसटी की कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन तो था वो कोई मायने नहीं रखता, इस कॉम्बिनेशन को आसान कर दिया गया है, ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन मायने नहीं रखता। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी और भी जो सब्जेक्ट दिया, अगर आपने उसे कम से कम दो साल तक पढ़ा है तो आप एसएसटी का टीचर बन सकते हैं। इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लिए हैं तो उसका कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप उसे दो साल पढ़ो चाहे एक साल पढ़ो, ठीक है, बस आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो एसएसटी में वो चीजें एटलीस्ट आप दो साल पढ़े हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इनमें से सामाजिक विज्ञान में दिया गया है कि इतिहास, राजनीतिक, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन या सांख्यिकी में से, तो ये चेंजेस हैं, कहीं ना कहीं ये आपको संकेत दे रहे हैं कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए और जल्द ही इसकी वैकेंसी DSSSB की मिलेगी। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं पहले से भी बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस जो है DSSSB PRT का बैच चला रही है, ठीक है, आप सभी तो ध्यान रखिए, जिनको भी तैयारी करना है तो परीक्षा प्लस में DSSSB PRT का बैच पूर्णतः चल रहा है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी प्रकार की असुविधा होने पर आप 9450006007 और 9129
6970 पर कॉल करके समझ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपका कोई दुविधा है तो आप इस कमेंट में भी बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी DSSB से रिलेटेड हम समाधान करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।